नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे टू चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कि आप लोग लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अभी तक आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से ही अप्लाई कैसे कर सकते हैं, चलिए बताता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे से आप लोग अपने लिए या किसी के लिए लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, आपको कितना फीस लगता है, कैसे अप्लाई करना होगा, चलिए बता देता हूँ। दोस्तों जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर ऐसा पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए शो करा ऑनलाइन सर्विस, यहाँ पे हमसरा ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नहीं क्लिक करना तो नीचे आना है और यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमसरा लाइसेंस रिलेटेड सर्विस और यहाँ पे देखिए ड्राइवर लर्नर लाइसेंस, आपके यहाँ मोर यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन शो करें। दोस्तों से आप लर्नर पहले से है, आप देखिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ओरिजिनल क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ सेकेंड वाले पे क्लिक करना है। जैसे रिन्यू करना चाहते हैं तो आपको थर्ड वाले पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट के लिए यहाँ पे क्लिक करना है। दूसरे से अभी तक कोई भी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आप लोग लर्नर लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो यहाँ अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या क्या लगेगा देख सकते हैं। जैसे यहाँ फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, दोस्तों यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन शो करेगा आपको सभी डिटेल्स सबसे पहले सबमिट करना होगा। फिर यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। इसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे देखिए फी पेमेंट, दोस्तों यहाँ फीस पेमेंट करना होगा। और वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, जो यहाँ देखिए वेरीफाई होता है उसका स्टेटस आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। और फिर यहाँ पे देखिए प्रिंट द रिसिप्ट, दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आप देखिए इसे अप्लाई करेंगे आपको देखिए एक स्लिप मिलेगी, उसे रिप्रिंट कर लेना है। और लास्ट ऑप्शन सो रहा है एलएल स्लॉट बुक, आपको देखिए किस डेट को आपको बुक करना है, जिस डेट को बुक करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं। फिर आपको आरटीओ ऑफिस जाना होगा। जैसे मैं कंटिन्यू यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक किया हूँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ऐसा पेज ओपन हुआ। आप यहाँ देखिए कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी कैटेगरी शो कर रही है, मैं यहाँ जनरल इसे रहने देता हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन शो कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक आपके पास देखिए ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं आपको सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों तो अभी तक मेरे पास नहीं है तो यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। दोस्तों फिर आपको यहाँ सबमिट यहाँ पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन शो करें, आप लोग आधार कार्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन कराना चाहते हैं या विदाउट आधार करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे टिक करना होगा। जैसे मैं आधार से ऑथेंटिकेशन कराना चाहता हूँ तो यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, यहाँ पे देखिए शो करा, आपको यहाँ ओके वाले पे क्लिक करना है। फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों यहाँ देखिए सिलेक्ट स्टेट सिलेक्ट हो गया है। फिर यहाँ आधार, आपको आधार नंबर वाले पे टिक करना होगा। फिर यहाँ आधार नंबर आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। जनरेट ओटीपी यहाँ पे क्लिक करना है, आपके देखे नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे देखे जो तीन ऑप्शन शो कर रहे हैं सभी पे आपको देखे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ देखे ऑथेंटिकेट यहाँ पे क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखे प्रोसेस चल रहा है, फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों यहाँ देखा ऑथेंटिकेट हो गया है, यहाँ पे देखिए नाम वगैरह शो करा, फोटो शो करा और यहाँ एड्रेस शो करा, आप लोग एड्रेस में देखिए कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ प्रोसीड यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन होगा, फिर आपको यहाँ ओके यहाँ पे क्लिक करना है। और फिर यहाँ पे देखिए ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ देखिए पहले सेलेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ आप देखिए बर्थ लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ ब्लड ग्रुप जो है उसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ लैंडलाइन नंबर, यहाँ पे नंबर लिखना होगा, जैसे मोबाइल नंबर है तो वहाँ पे यहाँ भी मोबाइल नंबर लिखना होगा। और दोस्तों जैसे इमरजेंसी मोबाइल नंबर दूसरा मोबाइल नंबर है तो उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखें एड्रेस तो ऐड है, सभी देख सकते हैं। और जैसे आपका ये जो एड्रेस है यही परमानेंट एड्रेस है, सेम एड्रेस है तो आपको यहाँ पे टिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखें पहले से ऐड है तो हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है। दोस्तों आप लोग इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं ये आपको देखें ईयर मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। दोस्तों यहाँ पे देखें कौन से व्हीकल के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे देखें शुक्र आप लोग देखते हैं मोटरसाइकिल विदाउट गियर, जैसे मोटरसाइकिल विद गियर, और यहाँ देखें लाइट मोटर। दोस्तों जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग कार के लिए करना चाहते हैं तो आपको देखिए दोनों को सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों से मुझे बाइक के लिए करना है,
या मोटरसाइकिल विद गियर, यहाँ पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। जो आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखे शो करेगा, आप यहाँ पे देखे इस तरह यहाँ पे टिक कर देंगे तो इधर आ जाएगा दोस्तों। इसके पहले आपको देखे सेल्फ डिक्लेरेशन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे देखे रूल वगैरह है आपको देखे इसे पढ़ लेना है, और आपको देखे यस नो जो करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। फिर जैसे आप लोग यहाँ सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों फिर आपको जैसे ये सब कुछ हो जाएगा तो आपको देखे फोटो अपलोड करना होगा और पेमेंट कर देना है, और फिर आपको देखे जो पेमेंट करेंगे वहाँ पे देखे स्टेटस उसको देख लेना है, और आपको देखे प्रिंट कर लेना है दोस्तों, आपको देखे स्लॉट बुक कर लेना है, फिर आपको उसी डेट को वहाँ पे देखे आरटीओ ऑफिस में जाना होगा दोस्तों, आपका देखे ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा।